पूरा निकल गया था और टूट गया, इसका पूरा सेट जो है चेंज करना पड़ेगा। और इधर भी डेंट है देखिए, इसको भी ठीक करना पड़ेगा अगर ठीक होगा तो, नहीं तो चेंज ही कर सकते इसको। गाड़ी को देते स्टार्ट, उसके बाद तो स्टार्ट नहीं दिया था, गियर पे है। चलो ठीक से स्टार्ट हो गया और मैं समझा रहा हूँ आपको कैसे है हुआ और वो कैसे टक्कर दिया मुझको। जो मुझको आकर जो धक्का दिया था वो आदमी तो मानने को तैयार ही नहीं था कि उनका दोष है। देखिए मैं झमेला उतना नहीं करना चाहता, नहीं तो मैं कंप्लेंट कर सकता था उसके अगेंस्ट। वो ही मुझको बार बार ऐसे रोक रहा था और बहुत दिक्कत करा, पूरा इस ट्रिप का जो मजा है पूरा मेरा खत्म कर दिया है वो आदमी। इतना गंदा बिहेवियर है, मेरा हाथ में कट गया है, पूरा नीचे कट गया है। मैं उस भैया को बोला कि मेरा कट गया है, वो कुछ नहीं बोले कि आपको फास्ट एड कराना है क्या कुछ कराना है, वो सिर्फ बोल रहे है कि मेरा पैसा दो, ऐसे ही बात कर रहा था। मतलब इंसानियत करके कुछ चीज तो उसका नहीं था और गलती तो 100% तो था ही उसका, क्योंकि बहुत देर से वो ऐसे ऐसे ओवरटेक कर रहा था। उसको सिर्फ जाना है आगे कैसे भी हो, मैं गाड़ी को ओवरटेक कर रहा था और उस गाड़ी को ओवरटेक करते हुए वो मुझको ओवरटेक कर रहा था। उसका गाड़ी का जो जो हुआ है, पहले बोल रहा था कि 14,000 का खर्चा है, फिर बोल रहा है कि 20,000 का खर्चा है, फिर 30,000 का खर्चा है। मैं बोला चलो रानावट पुलिस स्टेशन चलते हैं, पुलिस जो बोलेगा देखा जाएगा। तो फिर उधर जाके बोला कि 50,000 का खर्चा है, बोला दोनों डोर चेंज करना पड़ेगा। मैं बोल रहा हूँ कि जो गाड़ी आपका नुकसान हुआ है मैं सब ठीक करके देता हूँ, आप मेरे साथ चलिए। बोला कि मैं दूसरे जगह से नहीं कराऊंगा, मैं जो कराऊंगा मैं हुंडई का सर्विस सेंटर से ही कराऊंगा, मैं दूसरे जगह से नहीं कराऊंगा। अब बोल रहे कि मुझको पैसा देना पड़ेगा और मेरा जो डैमेज हुआ है करीब करीब 7,000 से 8,000 रुपया खर्चा आएगा इसका, ज्यादा हो सकता है। वो मानने को तैयार ही नहीं है, बोला आपका गाड़ी का कितना खर्चा आएगा। और एक ही बात बताया जाए, आप निंजा चला रहे हैं, आपके पास पैसा नहीं है, आपका दोष है, आपको देना ही पड़ेगा पैसा। मतलब पूरा चीटिंग बच टाइप सा आदमी था, मतलब उसको सिर्फ पैसा लेना था। वो बोला नो क्लेम बोनस नहीं मिलेगा इंश्योरेंस करने से, अरे मेरा भी तो नो क्लेम बोनस नहीं मिलेगा इंश्योरेंस करने से, कुछ भी बताया जा रहा था। अभी देखो एक सिंगल सा रोड है, ठीक है, टोटो दाहिने तरफ से जा रहा है, क्यों जा रहा है, क्योंकि रोड खराब है। तो रोड खराब है तो सबको धीरे धीरे चलना पड़ेगा ना। आप देख रहे हो कि रोड खराब है, आपको भी पता है NH34 का जो जागुली तक जो रोड बनाया गया है वो रोड बहुत जगह में बहुत सारा गड्ढा है उस रोड पे। तो सब लोग को सावधानी से गाड़ी चलाना पड़ता है, उधर पुलिस भी केस देता है, सब लोग को पता है। तो आपको गाड़ी चलाना नहीं आता है तो आप गाड़ी क्यों चलाते हो उधर में, आपको तो पता होना चाहिए ना रोड के बारे में, फिर आप गाड़ी लेकर निकलो। उसका जो वाइफ है मुझको बताया आप दाहिने तरफ में क्यों हो, अरे आपको तो पता नॉलेज तो होना चाहिए ना दाहिने तरफ में मैं क्यों हूँ, मैं ऐसे ही दाहिने तरफ में हूँ। और बोल रहा है कि मैं निंजा बाइक लेके ऐसे ऐसे चला रहा हूँ, अरे मैं जैसे चला रहा हूँ सब व्यूअर्स देखते हैं मैं कैसे चलाता हूँ। और रास्ते से जो लोग जो आदमी जिससे भी हम लोग को परिचय होता है सब लोग को पता है हम लोग कैसे चलाते हैं गाड़ी। मैं रैश ड्राइविंग नहीं कर रहा था, आप रैश ड्राइविंग कर रहे थे, आप बात नहीं समझ रहे थे और मुझको पैसे देने के लिए फोर्स कर रहे थे। 4,000 रुपया मैं उसको दिया, 4,000 रुपया मुझको आकर बोल रहा है कि मैं तो आपको उड़ा भी दे सकता था, आपका तो छोटा नुकसान हुआ है, आपको कुछ नहीं हुआ, मेरा जो कट गया इधर हाथों में इधर में कट गया मेरा वो कुछ नहीं है, खून निकल रहा था उधर से वो कुछ नहीं है, मेरा ही दोष है। मैं सोच रहा था उसके अगेंस्ट कंप्लेंट ना करूं तो इसीलिए मेरा ही दोष है, मुझको वो मेडिक्लेम करके दिखाना चाहिए था उसको क्या क्या नुकसान हुआ है मेरा, और मेरा गाड़ी का नुकसान वो तो छोड़ ही दो। वो बोल रहे कि आप कितने तक पड़े, एक लेटर लिख रहा था, मतलब वो 4,000 रुपया लिया था, फ्यूचर में कोई कंप्लेंट वगैरह नहीं करेगा, मैं भी कोई कंप्लेंट वगैरह नहीं करूंगा, तो वो एक लेटर लिख रहा था। मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे लिखना चाहिए, कुछ कुछ पॉइंट मिसिंग है इसमें। बोल रहे कि आप कितने तक पढ़े हो, मेरा एजुकेशन पर चले गए। लास्ट में वो मुझको बोला कि आप क्या करते हो, मैं बोला कि
मैं आपको बता सकता था मैं क्या करता हूँ, लेकिन आपका बिहेवियर जो है बहुत ही खराब है, नहीं तो मैं आपको बताता मैं क्या करता हूँ। मतलब इतना गंदा बिहेवियर है, इंसानियत का कोई तो एक साइन भी मुझको नहीं देखा। बोल रहे कि उनका खुद का बेटी है, कुछ नहीं खाया है, तो आप पहले उसको खिलाओ। मैं उसको फोन नंबर दे दिया, मेरा चैनल के बारे में बताया, मैं गाड़ी नंबर दे दिया, और मुझको घसीटते हुए लेकर गया पुलिस स्टेशन। पुलिस बोल रहे आप इनको क्यों लेकर आए हो। मैं लास्ट में ये भी बोला था आप केस कर दो मेरे गाड़ी के ऊपर। वो मुझसे डॉक्यूमेंट मांग रहा था, उनका घर है रानाघाट में, और वो रानाघाट लिख रहा था। मैं बोल रहा था कौन सा पारा में, वो तो लिखिए। बोला कि आप क्या हमला करेंगे मेरा घर के ऊपर, ऐसा बोल रहे। मैं बोल रहा हूँ मैं हमला नहीं करूंगा भाई। उनका भाई बोल रहे उसका जो करना होगा व्लॉग में करेगा। व्लॉग में मैं क्या कर सकता हूँ भाई, मैं बोल सकता हूँ आप ऐसा ऐसा है, आपका इंसानियत तो चेंज नहीं हो जाएगा ना। आप जैसा बिहेवियर किया, मेरा मम्मी भी पीछे था, मम्मी भी बोल रहा है ये कोई फ्रॉड आदमी है। मम्मी बोल रहा है कि दे दो पैसा, वो अगर खुश रहे 4,000 रुपये लेकर तो कोई बात नहीं, उसको खुश रहने दो। अभी देखिए मैं दाहिने तरफ से गाड़ी चला रहा हूँ। क्यों गाड़ी चला रहा हूँ, क्योंकि पीछे कोई गाड़ी नहीं है, सामने देखिए कोई गाड़ी नहीं है, इसलिए मैं दाहिने तरफ से गाड़ी चला रहा हूँ। और बाएं तरफ का जो रास्ता है वो बहुत ही खराब तरीके से, देखिए वो टोटो वाला भी दाहिने तरफ से जा रहा है। क्यों जा रहा है, क्योंकि बाएं तरफ का रास्ता खराब है, दाहिने तरफ में कोई गाड़ी इधर से नहीं आ रहा है, इसलिए ये दाहिने तरफ से जा रहा है। मैं इसको अगर ओवरटेक करना चाहूंगा तो मैं हर दिख देखूंगा कि बाएं तरफ का सब रास्ता ठीक ठाक है कि नहीं। मैं हॉर्न दूंगा बार बार, ओवरटेक करते हुए भी हॉर्न दूंगा। अगर रास्ता खराब है तो वो दाहिने तरफ बाएं तरफ नहीं करे ना। वो आदमी खुद का ही दोस्त नहीं मान रहा था और मेरे ऊपर सब दोष दे रहा था। लास्ट में पुलिस बोला कि आप तो दाहिने तरफ में थे, ये एक्सीडेंट कैसे हुआ, आप चाप दिए थे उसको। मैं दाहिने तरफ में था, वो ऐसे आ गया, तो उसको तो देखना चाहिए कि जगह कितना खाली है। मैं ओवरटेक करूंगा एक गाड़ी को, अगर उसका कोई जगह नहीं रहेगा। नसीब में यही लिखा था, ये होना था तो हो गया। गाड़ी को ऐसे ऐसे करके कैसे भी हो मैं गाड़ी को संभाल लिया था। लेकिन उसके बाद वो लोकल लोग हम लोग को बताया कि आप लोग चले जाओ, हम लोग तो चले गए थे। वो बार बार मुझको रोक रहा था मेरा गाड़ी को। मैं एक ही चीज सोच रहा था, अगर वो मुझको फिर से चाप दे, मम्मी पीछे, मेरा कुछ हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरा मम्मी पीछे है ना। मैं चाहता था तो मैं निकल जा सकता था, और मैं रानाघाट में उसके लिए रुका। वो पुलिस स्टेशन में जाके बोला कि मैं जागोली तक इतना खींचा और मुझको पकड़ नहीं पाया। अरे भाई जेम था उधर, मेरा बाइक था, मैं खाली रोड से साइड होकर आ गया। आपका फोर व्हीलर है, कुछ तो शर्म करो भाई। झूठ बोलने का भाई कोई हद होता है, आपको आपका गलती से सीखना चाहिए कुछ। आप उस गलती से नहीं सीख रहे हो तो आप ये गलती दोबारा करोगे, ऐसा कुछ ना हो आपके साथ। लेकिन आप अपना गलती को मानो, गलती से सीखो, नहीं तो बहुत बड़ा दिक्कत आ सकता है। वो मुझको बोल रहा है कि मेरा एक्सीडेंट तो होगा ही, आप कैसे चला रहे हैं। अरे भाई मैं कैसे चला रहा हूँ मुझको पता है, मेरा फैमिली को पता है। तुम कैसे चला रहे हो तुम्हारा फैमिली को नहीं पता है। तुम्हारा फैमिली तुम्हारा दोस्त नहीं देख रहा है, दूसरे लोगों का दोस्त देख रहा है। पहले आप अच्छा इंसान बनो, फिर ड्राइवर बनना, क्योंकि रास्ते में अगर और लोगों के साथ होगा वो तो मर जाएगा। मेरा निंजा 300 है इसीलिए मैं बच गया, नहीं तो दूसरा गाड़ी होता तो वो कहाँ गिरता, रास्ते में कुछ पता नहीं चलता ना। 4,000 रुपये रहता मेरे पास तो मैं राइडिंग गियर्स वगैरह खरीद सकता था, लेकिन अभी तो मैं थोड़ा और पीछे आ चुका हूँ। लेकिन दोस्तों पैसा गया वो कोई बात नहीं है, पैसा आएगा। मेरा मम्मी हमेशा कहता है पैसा जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, पैसा और आएगा, इंसानियत को समझो। और तो आप अगर ऐसा करते हो तो खुद का गलती मान लो, और दूसरे के भी गलती है तो देखो फिर जाने दो। आपका इंश्योरेंस है, कुछ तो मिलेगा आपको इंश्योरेंस से, ऐसा तो नहीं है आपको कुछ पैसा नहीं मिलेगा। मुझको भी पता है कि मुझको पूरा पैसा नहीं मिलेगा, मेरा जो नुकसान हो गया तो वो तो अलग बात है। मतलब इंसानियत से भरसा ही उठ जाता है आपका बिहेवियर देखकर, इंसानियत ही उठ जाएगा आपका बिहेवियर जैसा है। तो चलो दोस्तों मैं किसी को छोटा नहीं करना चाहता, मैं ब्लॉग में कुछ नहीं कर सकता आपका, लेकिन जो है मैं लोगों को वार्न कर सकता हूँ, लोगों को बता सकता हूँ ऐसा ऐसा भी आदमी रहता है, ऐसा ऐसा भी चीज आप लोग को मिलेगा रास्ते में। तो मेरा जो है तो देखा जाएगा, गॉड है ऊपर में। मैं अगर खराब करूंगा, मैं अगर झूठ बोलूंगा, मेरा अगर गलती होगा मैं नहीं मानूंगा, तो गॉड है ऊपर में। एक ना एक दिन वो दिखाई देगा कि मेरा गलती था कि मेरा गलती नहीं था। लेकिन आपका अगर गलती है ना तो आपको भी दिखा देगा। मैं सोचा था इस ट्रिप में डेली व्लॉग में करूंगा, लेकिन डेली व्लॉग अभी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा है दोस्तों। इस चीज को हील होने में थोड़ा टाइम लगेगा, ये शरीर में नहीं ये मन में लगा दोस्तों, मन में। ऐसा भी इंसानियत होता है। मैं सोचा था कि डेली व्लॉग करूंगा इधर में आके, लेकिन वो डेली व्लॉग तो अभी नहीं हो पा रहा है, लेकिन मैं करूंगा, धीरे धीरे करूंगा। इस ट्रिप में मैं सोचा था पूरा ट्रिप है हर दिन में व्लॉग करूंगा, हर छोटा छोटा चीज जो इंटरेस्टिंग है आप लोग को दिखाऊंगा, लेकिन दोस्तों वो तो नहीं हुआ।